चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान। ये सर जी कॉटन की बात करें तो कॉटन में देख रहे हैं कि 4200 से 43000 की जो एक रेंज है वो अभी भी सस्टेन है, अभी भी उसी रेंज में ही ट्रेड करता नज़र आ रहा है। आपको क्या लगता है ये जो कॉटन है जिस हिसाब से इसकी डिमांड है और फ्यूचर फॉरेन मार्केट में भी इसकी काफ़ी अच्छी तेज़ी डिमांड है, तेज़ी भी देखने को मिली है, तो इंडिया में प्राइसेस क्या रह सकते हैं? कॉटन में हमने रिसेंटली जो जंप देखा था ना, वो देखा था टेक्सास के अंदर जो वेदर कंडीशन है वो काफी ज्यादा ड्रॉट कंडीशन बताया जा रहा था, जिसके चलते हमने 140 सेंट का लेवल देखा। बट पिछले एक हफ्ते से अगर हम बात करें तो पिछले एक हफ्ते से मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी के साथ मार्केट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो ओवरऑल मुझे लगता है प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत जंप जरूर है जो 45000 का लेवल दिखा दे, बट उसके बियॉन्ड जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा कॉशियस है क्योंकि अभी स्विंग का सीजन भी है सामने। तो मुझे लगता है एक बार 45000 दिखा दे, बट यहाँ पे एक बड़ा करेक्शन आ सकता है जो 32000 तक का भी लेवल दिखा दे, तो कॉटन पे थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। जी अजय जी, वो कौन से फैक्टर्स होंगे जो कॉटन को इतनी हेल्दी करेक्शन की ओर लेके जाएंगे? देखिए कॉटन के अंदर सबसे पहले तो मुझे लगता है पहला फैक्टर है स्विंग, बिकॉज उनके भाव के चलते इस बार स्विंग का रकबा बढ़ने की उम्मीद है शॉर्ट टर्म में। बट मेरा व्यू जो है वो ये है कि ग्लोबली जिस दिन से ऑयल सीड के भाव बढ़े हैं तो मुझे लगता है कि ऑयल सीड का एरिया ज्यादा बढ़ेगा, बट टेम्पररी जो लोग देख रहे हैं मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, तो मुझे लगता है सबका मानना है कि इस बार भाव बढ़े हुए इसमें स्विंग बढ़ेगी। सेकेंडली टेक्निकली भी मार्केट ओवरबॉट है क्योंकि हमने यहाँ पे 38000 से या 36000 से वन साइड तेजी देखी है जो करीबन हमने 8000 रुपए की तेजी देख चुके हैं। थर्ड आ जाता है डिमांड। फिजिकल मार्केट के अंदर अगर हम बात करें तो यान की डिमांड में थोड़ा सा ड्रॉप आता हुआ दिख रहा है बिकॉज ऑफ हाई प्राइजेस। फोर्थ अगर हम मानते हैं तो इतने ऊंचे भाव में गवर्नमेंट ने जनवरी से हमने देखा कि बैक टू बैक मीट हुए थे जहां पे उन्होंने कुछ रियायत देने की बातें की थी, तो आई थिंक गवर्नमेंट एक्शन अगर इससे आता है तो कहीं ना कहीं पुल बैक मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर को देखते हुए टेम्पररी मुझे लगता है कि एक बार 32000 तक का लेवल हम कॉटन के भाव में आते हुए देख पाए। अजय जी, क्या कॉटन में जो 32000 का लेवल आपने दिया है कि नीचे कॉटन की जो प्राइसेस है नीचे 32000 तक जा सकती है, तो क्या फिर से कम कॉटन की जो प्राइसेस है वो ऊपर भी उठते नजर आएंगी? 2022 के लिए सबसे टॉप पिक मेरी कॉटन रहेगी। इमीडिएट में तो हम देख रहे हैं मानसून बोला जा रहा है, बट मुझे ऐसे नहीं दिख रहे हैं कि मानसून अच्छा रहेगा, बट जो फैक्टर्स अभी दिखा रहे हैं हमको उसी के बेस पे बताता हूँ मैं कि एक तो मुझे लगता है कि मानसून में टेम्पररी जो है वो फॉल है। 2022 के लिए टॉप कमोडिटी कॉटन रहेगी जो ऊपर में 200 सेंट का लेवल मतलब 70000 का लेवल या 65-70 के करीब हम एंशियस कॉटन को बनते हुए देखेंगे। उसके 5 कारण है। पहला है सबकी उम्मीद है इसमें मानसून अच्छा आएगा, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल वेदर एजेंसी की रिपोर्ट कुछ देखते हैं तो वहां पे बताया जा रहा है कि थोड़ा कमी रहेगा, और यह थंब रूल भी है लानिनो के बाद अगर हम देखें तो जनरली देखा जाता है कि मानसून में कमी आती है, ये एक बड़ा फैक्टर रहेगा। दूसरा है फर्टिलाइजर के कॉस्ट जमीन मतलब आसमान को छू चुके हैं, करीबन 40-50% का भाव जंप है, जो नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर के भाव बढ़ गए, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं फार्मर ये देखेगा ऐसी क्रॉप को लगाया जाए जहाँ पे कम से कम फर्टिलाइजर क्योंकि 200 से 230 टन पर हेक्टर में कॉटन के अंदर ये फर्टिलाइजर का यूज होता है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहेगा। तीसरा कॉटन के साथ अगर जनवरी में आप बात करते तो लगता था कि कॉटन में स्विंग बढ़ेगी, बट अभी कॉटन के साथ अगर हम देखें तो ऑयल सीड है, बाकी काफी कमोडिटीज है जिनके भाव में जबरदस्त तेजी आई है। थर्ड सॉरी फोर्थ आ जाता है यूक्रेन। यूक्रेन में हमने देखा है कि जीवन की युद्ध की वजह से जो स्विंग सीजन स्टार्ट हुआ था मार्च में वो कहीं ना कहीं इस बार खराब हुआ है, तो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के हवाले से ये अपडेट है कि इस बार स्विंग का एरिया 50% फॉल हो सकता है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूक्रेन जो है वो ऑयल सीड के लिए जाना जाता है, तो कहीं ना कहीं अगर एरिया कम होता है तो ऑयल सीड के भाव में तेजी रहेगी। इसको देखते हुए अर्जेंटीना, यूएस, चाइना, इंडिया, ये जो बाकी कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनका भी ध्यान जो जाएगा वो कहीं ना कहीं ऑयल सीड पे ज्यादा जाएगा,
तो आई एम वेरी होपफुल, जैसे पिछले साल हमने राइडे में एरिया बढ़ते हुए देखा था, वैसे इस बार ग्लोबल मार्केट में जितना भी एडिबल ऑयल है या हम बोल सकते हैं सीड है, ऑयल सीड है, इनके अंदर शोइंग बढ़ेगी, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कॉटन को मिलेगा। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि 2022 के अंदर हम करीबन 185 से 200 सेंट का भी लेवल हम कॉटन में देख पाएंगे, जो डोमेस्टिक मार्केट के अंदर 65 से 70 हजार का भाव होता है। जी, कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर, बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान।